ठीक so, hey so, एक एक है, की, की, की है। तेईस है। है, का जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में बात करता हूँ अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप जाके ठीक है मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हम इसके लिए एक स्पेशल बैच अनाउंस करेंगे जहाँ पे आपको टीसी की जितने भी सिलेबस होता है उसको कवर किया जाएगा और एक बहुत मिनिमम अफोर्डेबल कॉस्ट में अंडर वन थाउजेंड हम इस कोर्स को लेके आएंगे जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए वो जीएस का है ठीक है उसके लिए आपके पास टीचर होंगे फिजिक्स का है उसके लिए टीचर होंगे केमिस्ट्री ना केमिस्ट्री तो आती नहीं मैथ्स फिजिक्स मैथ्स और जो जीएस वाला सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेक्शन है कंप्लीट कराया जाएगा ठीक है अब देखिए इसके बारे में पहले समझ लो सबसे पहले अगर जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो 2023 में जो तेईस है वो 414, सिक्स है एक सौ चालीस ओबीसी के लिए एस सी के लिए थर्टी थ्री एस टी के लिए ठीक है फाइव पोस्ट यहाँ पे दिख रही है तो टोटल फोर नाइनटी सिक्स पोस्ट आई है ठीक है अच्छा अब यहाँ पे देखें दो तो पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है तो इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए फुल टाइम बैचुलर डिग्री ऑफ थ्री ईयर इन साइंस विद बीएससी एस सी एंड मैथमेटिक्स यानी कि आपके पास बीएससी होनी चाहिए जिसमें फिजिक्स और मैथ्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए ओके okay, और फुल टाइम रेगुलर बैचुलर डिग्री इंजीनियरिंग यानी कि बीई .E. वाले स्टूडेंट भी इसको कर सकते हैं ठीक है कैंडिडेट है मिनिमम प्रोफेशन बुथ स्पीकिंग एंड रेटिंग स्किल ऑफ इंग्लिश यानी कि टेंथ और ट्वेल्थ में आपकी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए ठीक है टेंथ में भी होना चाहिए फिर डिग्री शुड बी आपके पास एक रेगुलर डिग्री होनी चाहिए बी एस सी की जो कह रहा है अगर आप फाइनल ईयर में है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है एज लिमिट ट्वेंटी सेवन ईयर होनी चाहिए आपको तीस से पहले पहले यानी कि थर्टी इलेवन टू थाउजेंड तेईस से पहले आपको ट्वेंटी सेवन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम एज है ओपनिंग डेट है देखो नेक्स्ट मंथ एक तारीख से लेके तीस तारीख के बीच में आपको ओपनिंग डेट मिलेगी पे स्केल बहुत अच्छा है ठीक है लगभग लगभग फोर्टी थाउजेंड से स्टार्ट होगा पे स्केल और ये वन लैख फोर्टी थाउजेंड तक जाएगा ओके और फिर आपको बात करें तो क्या करना है इसमें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर देते हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा इंपॉर्टेंट मैं उसमें जीन जा रहा हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर है कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन फिल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल आपका एग्जाम होगा ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा उसके बारे में अभी अब आपको बताऊंगा ठीक है फिर ऑब्जेक्टिव टाइप होने के बाद एग्जाम फिर उसके पास मेडिकल टेस्ट साइकोलॉजी टेस्ट वगैरह टेस्ट वगैरह होंगे फिर उसको उसके बेसिस पे आपको फाइनली यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा हाउ टू अप्लाई आप जो है ए ए आई ए टी सी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ए आई की वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन में मूड देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको वन थाउजेंड रुपये फी करनी पे करनी है और इसके अलावा जो स्टूडेंट है ठीक है उनकी फी आई थिंक यहाँ पे कम होनी चाहिए ठीक है एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए कितनी है फी सबमिटेड बाई अदर हाउ एवर द एस सी एस टी कम्प्लीट वो हैव सक्सेसफुलट वन ईयर डिग्री है ना ऑफ वन ईयर डिग्री ऑफ अगर आपके पास ए में कोई ट्रेनिंग डिग्री है तो आपको फी नहीं देनी पड़ेगी अदरवाइज वन थाउजेंड रुपये फी है आपकी ठीक है ये ध्यान रखिएगा जनरल कैंडिडेट के लिए अलग से भी बता दूंगा मैं और इसके साथ साथ एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है जो सिलेबस है उसको देख लीजिए सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको रिक्रूटमेंट के थ्रू ही यहाँ पे सिलेबस में मिल जाएगा ओके सिलेबस में कोई चिंता ऐसे करने की बात नहीं है कि सर क्या खास है सिलेबस में सिलेबस में जनरल जो चीजें होती है वही यहाँ पे मेंशन है ओके okay, जो भी ए में यानी कि यहाँ पे चार सेक्शन होते हैं ध्यान समझिए मैं फिर से एक बार तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास मेनली सेक्शंस हैं मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको अंदर तो नहीं ठीक है जस्ट वेट अ मिनट मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाता हूँ क्या यहाँ पे बेसिकली uh, जो ठीक है इसको बैक कर लेते सिलेबस देख लो है ना सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाना चाह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर साइट के थ्रू सिलेबस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका सिलेबस कि है ठीक है खोलेंगे तो ऑफिशियली वेबसाइट पे जो सिलेबस है उसके बारे में बताया गया है कि भाई इसमें क्या होगा पार्ट ए पार्ट ए के अंदर सिक्सटी क्वेश्चन आएंगे सिक्सटी मार्क्स के जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज जनरल इंटेलिजेंस जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस की फिफ्टी परसेंट का वेटेज होगा इसका ठीक है फिर पार्ट बी पार्ट बी में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो क्लास ट्वेल्थ पे बेस्ड होंगे ठीक है क्लास ट्वेल्थ के बेस्ड फिजिक्स और मैथ्स जो होती है वो पढ़नी है आपको जिसका वेटेज फिफ्टी परसेंट है यानी कि यहाँ पे भी सिक्सटी मार्क्स है सिक्सटी एक सौ बीस नंबर का टोटल पेपर है एक सौ बीस मार्क्स यहाँ पे आएंगे एक सौ बीस मिनट आपको मिलेंगे ठीक है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग और इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है तो पढ़ लीजिए इलेवन ट्वेल्थ का फिजिक्स पढ़ना है स्टार्ट करिए केमिस्ट्री पढ़ना है स्टार्ट करिए उनके क्वेश्चन करिए पी बी क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए ए के ठीक है ये सारे क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए ऑल द बेस्ट और कोशिश करिए कि जो ये टू थाउजेंड टू हंड्रेड पोस्ट है उसमें से एक नाम तुम्हारा आ जाए क्योंकि अगर तुम इक्कीस साल के हो और ठीक है इतनी बेहतरीन तुम्हें एक जॉब मिल रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है तुम्हारे फील्ड की जॉब है थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज जनरल इंटेलिजेंस ये पढ़ लेना ठीक है इस तरीके से कहीं पे कोर्स वगैरह स्ट्रक्चर्ड वे में अगर हो तो ये पढ़ के अपनी एग्ज़ाम की भरपूर तैयारी कीजिए